हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा आप देख रहे हैं, मेरे हाथ में हैं कुछ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये फ्रेंड्स, मैंने शू ऑर्डर किया था फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए। मुझे जीवी शॉप एक ऐप मिला, तो उस पर ये आपने भी देखा होगा कहीं बार स्क्रॉल करते हुए जो ये है। तो मैं इसको भी खोल रही हूँ। एक्चुअली मैं क्या है ये, ओहो, इसको थोड़ा मैंने ना सीजर का सहारा नहीं लिया और हाथों से ही जोर लगा के ऐसा। तो फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि ये इसको लूँगी तो मैं कैसा लगेगा या ठीक होगा कि नहीं होगा, ऑनलाइन शॉपिंग कैसे रहेगी थोड़ा सा। और मैंने सीजर से थोड़ा सा मैंने कट कर लिया। बाकी मैं आपको उसको खोल के दिखा रही हूँ प्रॉपर। ये देखिए, I still have my feet one of the crown I just। तो फ्रेंड्स, तो आपको दिख रहा है ये, इस पर तो डायरेक्ट दिया तो नहीं है कि मैंने कहाँ से ऑर्डर किया है, बट जो ऐप था जीवी शॉप कुछ करके था, तो मैंने उससे ऑर्डर किया है। तो मैंने गाइज जूते ऑर्डर किए हैं। ये देखिए, ये आपके विंटर प्लस आपके मानसून यानी रेनी सीज़न के लिए बहुत ही बेस्ट है ये शूज़ आपके लिए। और मैं देखती हूँ, मैंने ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें अलग अलग कलर भी है, जैसे ब्लैक, वाइट, येलो एंड ग्रीन। तो मैंने सोचा ब्लैक एंड वाइट सबके साथ चल पड़ता है, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिया जैसा आपको दिख रहा है। और तो गाइस, मैं ज़रूर बताऊँगी इसका जो रिव्यू भी है, मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो ये पता ही आपको, मेड इन चाइना समथिंग है इस पर। तो मैंने इसको वियर कर लिया है। देखिए, इसके दोनों तरफ ना ये है, जिप है इसमें, ये लेसिस भी है इसमें, आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। अभी तो मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ, मैंने प्रॉपर इस लेस को नहीं लगाया है। तो आप इस तरह से इसको ऐसे वियर करके पहन सकते हैं। और मैंने दोनों तरफ से जिप लगा दिया, इधर से भी मैंने जिप लगा दिया है। ये देखिए, तो गाइज मैं आपको बता दूँ, काफ़ी ये कंफर्टेबल है ये, और जहाँ तक मुझे लगा वॉर्म भी बहुत ज़्यादा है ये। अगर आप अंदर से गर्म कोई आप सॉक्स वेयर कर रहे हैं और बाहर से ये जूते पहनेंगे तो बहुत ही वॉर्म है फॉर इन विंटर सीज़न। और गाइज मैं आपको बता दूँ, खासकर जैसे अगर आप रेनी सीज़न भी इसको पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पानी अंदर नहीं जाता है। मैंने एक दो बार इसको वेयर किया है, बट गाइस मैं आपको बता दूं, जो इसकी जिप है ना वो थोड़े कच्चे लगे मुझे, क्योंकि मेरे से तो एक दो बार निकल गए थे ये। तो उसके बाद जाके इसको मैंने मोचे के बाद जाके सेट किया है, या फिर आपको आप इसको अच्छी तरह से एक तरफ से बंद कर सकते हैं ताकि आप इसको बार बार ना खोलें। और जैसे हम खासकर स्टेयर पर भी चलते हैं ना, अब मैं बता दूँ आपको, स्टेयर पे जब हम चलते हैं तो 36 नंबर ये मेरा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यानी 36 और प्लस 3 आपको पता है ये नंबर मुझे लगता है। तो मेरे पैर बहुत छोटे हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं बट ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ गाइस कि जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो उसकी जिप ना ऑटोमेटिकली नीचे नीचे खिसकाते हैं। अगर आप सीधे में चल रहे तो बेटर है, बट अगर स्टेज से आप अप डाउन करते हैं तो ये इसके जिप बार बार नीचे आते रहेंगे। और कई बार तो साइड से मेरे इसके जिप पे निकल गए हैं। वैसे जो है ये जो ये शूज़ है बहुत ही बेस्ट है, बस चेन की वजह से मुझे इतना पसंद नहीं आया ये। मुझे अगर मैं आपको बता दूं तो चेन इसका थोड़ा मुझे ढीला लगा है, और बाकी तो ठीक है जहाँ तक मैंने इस जूते को अभी तो चलो मैं दिखा रही हूँ, बट मैंने इसको कई बार पहन भी लिया है। एक दो बार तो मैंने पहन के मैंने इसको ऑब्जर्व किया है कि क्या है तो काफ़ी अच्छा है। पर गाइस, इसके जो चेन मैं 10 बार बता रही हूँ आपको, बहुत ही ढीले हैं, तो आप भी सोच समझ के लिए लीजिएगा। बट ये है आपके 2100 का पड़ा था, तो मुझे 1199 यानी 1200 मार के चलो 1200 का पड़ा है। जैसे गाइज मैंने कुछ कैप्चर किया है आपको, जैसा दिख रहा है जो एक जीप है बिल्कुल फ्रीज हो चुका है नीचे। तो गाइज, तो मैंने मोची के बाद जाकर ये ठीक करवा लिया है, बट इसके जो जिप मैंने पहले भी बताया बहुत ढीले हैं, तो आप भी सोच समझ के लीजिएगा, बट अच्छा है बहुत।